और चलिए बात करेंगे प्रयागराज से अगली खबर की, जहां पर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाली एक छात्रा ने कोचिंग सेंटर की दूसरी मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली है। मंगलवार रात छात्रा के इलाज के दौरान मौत हो गई है। छात्रा के पिता ने लड़कों पर कर्नलगंज थाने में FIR दर्ज कराई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि चार लड़कों ने कोचिंग के सामने उनके बेटे को पीटा था, बकायदा मोबाइल तोड़कर थप्पड़ भी मारे थे और इसी बेइज्जती के डर से उनकी बेटी छत से कूद गई। पूरा मामला कर्नलगंज थाने से 200 मीटर दूर क्लाइमैक्स कोचिंग का है। प्रयागराज में इस क्लाइमैक्स कोचिंग की तीसरी मंजिल से गिरकर कल दिन में एक होनहार छात्रा दीपाली की मौत हो गई है। और जिस तरह से ये पूरी घटना घटी, आरोप ये लगाया जा रहा है कि दीपाली जो है उसका एक युवक से विवाद हुआ था और यहाँ पर कुछ CCTV फुटेज में वो सौरभ सिंह नाम का युवक भी दीपाली के साथ दिखाई दिया था और उसके बाद विवाद के बाद दीपाली ऊपर गई है और ऊपर से उसने सुसाइड के लिए छलांग लगाई और नीचे गिर करके अस्पताल ले जाते उसकी मौत हो गई है। जो दीपाली है उसके घर वालों का आरोप है कि युवक जो है वो लड़की को परेशान कर रहा था और लगातार उसको एक तरह से टॉर्चर करता था, जिससे तंग आकर के शायद लड़की ने आत्महत्या कर ली। उनके घर वालों का ये भी कहना है कि हो सकता है कि वो युवक भी लड़की के पीछे छत पर गया हो और वहां से उसने उसको फेंक दिया हो। तो यहां पर जो CCTV मिले हैं उसके आधार पर पुलिस इस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है कि आखिर यहां पर हुआ क्या था। लेकिन बताया जाता है कि CCTV में वो युवक भी लड़की के साथ सौरभ सिंह भी दिखाई दे रहा है और उनके बीच में कोई झगड़ा चल रहा था और उसके बाद ये पूरी घटना सामने आई है। तो पुलिस ने उस सौरभ सिंह नाम के युवक को हिरासत में ले लिया, उससे पूछताछ चल रही है। उसका कहना है कि 1.5 साल से वो उस लड़की के संपर्क में था, उसके रिलेशनशिप में था और विवाद होने के बाद लड़की अचानक छत पर कोचिंग की गई है और वहां से कूद करके उसने आत्महत्या कर ली है। जो कोचिंग में जो लोग मौजूद थे उनका कहना है कि कल कोचिंग बंद थी, बावजूद इसके दीपाली जब यहां पर आई और उनको लगा कि शायद वो आगे वॉशरूम में उस तरफ जा रही है, लेकिन वो ऊपर चली गई और उसके पीछे कौन गया, उसके साथ कौन गया, ये बात स्पष्ट नहीं हो पाई है। तो पुलिस हर पहलू से इस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है कि आखिर दीपाली ने आत्महत्या की है या फिर उसकी हत्या की गई है। तो देखना ये होगा कि जांच में किस तरह की तस्वीर निकल करके सामने आती है। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है, जो आरोपी युवक है वो पुलिस की हिरासत में, उससे पूछताछ चल रही है और पूछताछ और जांच के बाद ही इस पूरे घटनाक्रम की सच्चाई जो है वो सामने आएगी। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। और चलिए बात करेंगे कानपुर से अगली।